हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज। आज जो हमारा सेशन है वो ज्योमेट्री का है, जो कि आने वाले एग्जाम्स यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ध्यान होगा लास्ट ईयर का पेपर, अगर आपने यूपी टेट का दिया होगा तो यूपी टेट में 6 सवाल थे ज्योमेट्री से, सुपर टेट में 20 में 4 सवाल थे और सी टेट में एक सवाल, एक से आप मैक्सिमम कह सकते हैं 2 सवाल आपको ज्योमेट्री के मिल ही जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस पे हमने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और थोड़े थोड़े जो आपके लास्ट ईयर के आए हुए सवाल हैं उन पे बेस्ड सवाल हैं। ठीक है, तो वीडियो आप देखिएगा, अगर आपको सवाल या किसी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम लगता है तो हर एक आने वाली वीडियो में उस सवाल का लेवल हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। ये यूपी टेट 2018 इस साल आया हुआ सवाल है कि हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिखाया गया है। पहला, केवल 3 कोण, केवल 3 भुजा, 2 कोण और 1 भुजा, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि त्रिभुज की रचना कब नहीं हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस सवाल से हम ये भी सीख लेंगे कि त्रिभुज की रचना करते कैसे हैं, लेकिन यहां पर मैं कोई क्लास नहीं रहा हूं, ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो केवल मैं आपको एक शॉर्ट वे में हर की एक आइडेंटिटी बताते जाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए 3 अवयव का होना जरूरी है। जैसे कि किसी भी त्रिभुज में आप अगर बनाएंगे, है ना, तो ये त्रिभुज है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी बड़े अक्षरों से कोणों को दिखाते हैं और ए के सामने ए भुजा लेते हैं, बी के सामने बी भुजा और सी के सामने सी भुजा, छोटे अक्षरों से भुजाओं को दिखाया जाता है। तो आप देखेंगे त्रिभुज में 6 अवयव रहते हैं, 6 एलिमेंट्स, 3 कोण और 3 भुजाएं। तो किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 अवयव का होना जरूरी है। मतलब वो 3 अवयव कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो भुजा के रूप में दिए गए हैं या कोण के रूप में, लेकिन आपके जो ऑप्शंस हैं वो काफी क्रिटिकल टाइप के हैं। कि केवल 3 कोण दिया हो तो क्या आप एक त्रिभुज बना लेंगे, केवल 3 भुजा, 2 कोण और 1 भुजा, या 2 भुजा और उनके मध्य कोण। तो आप एक छोटी सी भाषा में जान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 1 भुजा का होना जरूरी है, कम से कम 3 अवयव और उस 3 अवयव में 1 भुजा का होना अनिवार्य है। 1 भुजा कम से कम का मतलब 1 भुजा 2 कोण हो, या 2 भुजा 1 कोण हो, या तीनों की तीनों भुजाएं अगर हमारे पास है तो हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको 2 भुजा और उनके मध्य कोण दूंगा तो आप एक त्रिभुज रचना कर सकते हैं, मतलब इससे हो जाएगी। 2 कोण और 1 भुजा तब भी हो जाएगी, केवल 3 भुजा तब भी आप एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, और केवल 3 कोण, याद रखिएगा, केवल 3 कोण के आधार पर एक त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 अवयव होने जरूरी है, हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन 3 अवयव में अगर तीनों के तीनों कोण है तो आप कभी भी एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप एक नोट बना के अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो वहां पे लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज की रचना के लिए 3 अवयव का होना जरूरी है और उन 3 अवयव में कम से कम 1 भुजा का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सवाल है, इसका उत्तर है कि 3 कोण अगर हमें दिए गए हैं केवल, तो उन 3 कोण के आधार पर हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले जितने भी आजकल एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, उसमें एक समचतुर्भुज का सवाल आ ही रहा है, तो बेहतर है कि इसको आप अभी से जान लें। तो एक समचतुर्भुज मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, थोड़ा मैंने इसे अजीब बना दिया, याद रखिएगा एक समचतुर्भुज हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से, अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो आप बताएंगे कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चारों कोण बराबर नहीं होते, प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। इतना आपके यूपी टेट या सुपर टेट के एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आइए, समचतुर्भुज की एक भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर और आपको एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, ऐसे, है ना, कितनी, 16 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, और आप जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है 1/2
गुड़े डी वन गुड़े डी टू। इसका मतलब किसी भी समचतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल बताना है तो दोनों विकर्ण का गुणनफल बटे में दो। इसका मतलब कि हम दोनों विकर्ण की जरूरत है। आपको एक विकर्ण दिया गया है और एक भुजा दी गई है, हमें चाहिए दोनों विकर्ण। तो याद रखिएगा कि विकर्ण और भुजाओं के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लिख लीजिए डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगनल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, है ना। इस फॉर्मूले को कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इस फॉर्मूले से आप सम चतुर्भुज की डायगनल और साइड्स के बीच रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, आइए तो इसी को हम यहां पर थोड़ा सा लगा दें। आइए तो डी वन आपको कितना दिया गया है, 16, है ना। तो 16 का वर्ग प्लस डी टू हमको निकालना है और इज इक्वल टू 4, साइड कितना है 10। तो यहां तो मैं छोटे से सॉल्व कर देता हूं, यहां पर है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का वर्ग 100, 100 में 4 का गुणा करेंगे 400। आप जानते हैं 256 इधर जाके प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो 400 में अगर 256 जाएगा तो कितना आएगा 144। तो डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो डी टू का मान कितना आएगा, 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12। तो इसका मतलब दूसरा विकर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी होगी 12। दोनों विकर्ण आ गए, आप यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। तो 2 6 12, 16 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 96। तो इसका मतलब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 96। एक तो ये तरीका है, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले के आधार पर आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब भी ये सवाल आप करना चाहते हैं तो आपको समकोण त्रिभुज जानना होगा। क्या होता है वो देख लीजिए आप। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, है ना, 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। भुजा आपको दी गई है 10, और याद रखिएगा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब एसी अगर 16 है तो यहां पर ओ बिंदु से एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण की जो दो लंबाई है पूरी वो ओ बिंदु से दो बराबर भागों में बट जाएगी। 16 को अगर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 8, है ना। अगर आप गौर से फरमाएं तो अगर आप देखेंगे यहां पर ए ओ बी, ए ओ और बी, तो हमेशा सम चतुर्भुज में यहां पर समकोण त्रिभुज ही मिलता है। आपने इतनी बात तो याद की होगी कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट चलती हैं, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25। तो इनको आप अगर रटे हैं तो आपके लिए यात्रा आसान है, अगर नहीं रटा तो फिर आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा या जो फॉर्मूला आपने पुट किया वो। अगर आपको याद है कि ये 8 ये 10 तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर आपको याद है, आई रिपीट अगेन, अगर आपको याद है तो यात्रा आसान है, ये 6 तो ये भी 6 होगा। तो आप देख रहे हैं 8 और 8 16 एक विकर्ण आ गया और एक 6 6 12। तो एरिया आपको निकालना था, एरिया क्या होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे में 2, तो 2 8 16 12 8 96। तो अगर आपको ये बात पता है तब आपके लिए यात्रा आसान है, देखते ही बता देंगे कि 96 आपके लिए आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सम चतुर्भुज में हमेशा यहां पे जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो आपने जो ट्रिपलेट याद किया वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। आइए अगला सवाल। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, आपके इस साल एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आने की हम उम्मीद करते हैं कि आते रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है कि अगर जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको परसेप्शन समझ में नहीं आएगा कि सवाल कह क्या रहा है और सवाल में करना क्या है। जिन्होंने ये सवाल पहले किया है वो बिना डायग्राम बना के कर सकते हैं क्योंकि उनको एक आइडिया रहेगा कि होता क्या है। ठीक है, सवाल हूबहू आते हैं जब भी एग्जाम में आते हैं, तो अगर आपको सवाल समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप
कोशिश कीजिएगा इस परसेप्शन को समझ जाए। ठीक, जैसे 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क, तो आप ले लीजिए वृत्ताकार, ये आपका पार्क हो गया। ठीक, और इस पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है, है ना। अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक, इस तरह से। तो ये बन गया आपका ए बी सी डी, एक वर्ग है। कभी भी याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि सर हम कैसे बना लें, कहीं और किसी आकृति में बन सकता है, तो आप याद रखिएगा किसी भी वृत्त में यदि एक अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग बनेगा तो ऐसी ही आकृति बनेगी। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार, जो ये वृत्त है इसका व्यास कितना है 20। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जहां पर हमें व्यास की जरूरत पड़े। तो आप जानते हैं व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है 10। वृत्त में हमेशा त्रिज्या ही मायने रखती है, त्रिज्या के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये वर्गाकार खेल का मैदान है, इस वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, आप देख रहे हैं कि एसी ये हमेशा इसके केंद्र से ही जाएगी, जो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी एक वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बनेगा, तो जो उस वर्ग का विकर्ण होगा वो उस वृत्त का व्यास होगा। तो याद रखिएगा जो वर्ग का विकर्ण है वो हमेशा क्या बनेगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, वर्ग का जो विकर्ण होगा वृत्त का व्यास होगा, और वृत्त का व्यास कितना है आपको इसलिए दिया गया है 20, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है a रूट टू, मतलब भुजा गुणे रूट टू, तो a रूट टू बराबर 20 है। आपको बताना है खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या, और खेल का जो मैदान है वो वर्गाकार है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहां भुजा दिख रही है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, रूट टू का वर्ग 2 और 20 का वर्ग 400, है ना। तो यहां पर 2 × 4 करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 200, तो ए स्क्वायर बराबर 200 आ गया। तो इसका मतलब खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या है 200। तो याद रखिएगा यहां पूरे सवाल में जो सीखने वाली बात थी वो थी कि जब भी एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनेगा तो उस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, इसी में आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी उल्टा होगा, है ना, जैसे एक वर्ग होगा और वर्ग के अंदर आप अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त बनाएंगे ऐसे, तो इस वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा बन जाएगी। ठीक है, इस वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो ये दो ही सवाल बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल में आइए। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल या आने वाले एग्जाम्स में आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी, हालांकि आज तक अभी पूछा नहीं गया, लेकिन सुपर टेट में इस बार अंतः केंद्र के बारे में पूछ लिया गया। तो आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा होगी। तो आपको केवल जानना है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या करना है, प्रूफ करना है, एक ऐसा कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या को हमेशा इन रेडियस कहते हैं इंग्लिश में, है ना, स्मॉल रेडियस, सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल आर। ज्योमेट्री में अंतःवृत्त की त्रिज्या दैट इज कॉल्ड इन रेडियस, स्मॉल आर से दिखाते हैं, और सर्कम रेडियस परिवृत्त का, परिवृत्त की त्रिज्या जो है यहां पर लिखा हुआ है परिवृत्त की त्रिज्या, उसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। इनका जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में, और किसी भी त्रिभुज की हम बात नहीं कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज में जो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात है वो 1:2 है। आप याद रखिएगा इस बात को कि अगर त्रिज्या है तो उस त्रिज्या से बना हुआ एक वृत्त जरूर होगा। तो कभी कभी पूछ लेता कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो आप जानते हैं कि भाई अंतः वृत्त जो भी है उसकी त्रिज्या है r, तो वो क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, और जो परिवृत्त है उसकी त्रिज्या r है तो उसका भी क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर। ये आपसे अंतः वृत्त का क्षेत्रफल परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, पाई से पाई कट गया तो क्या होगा r स्क्वायर अनुपात कैपिटल r स्क्वायर। r का मान कितना है 1 और कैपिटल r का 2 का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो याद रखिएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या प्रतिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है और इस अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है। ठीक, इस बात को केवल आपको याद करना है क्योंकि सवाल जब भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। और देखिए ये सवाल आ ही गया है ना, तो आप इस बात को समझते हैं जो मैंने आपको ही बताया कि वृत्त चाहे छोटा हो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, और चाहे बड़ा हो जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अगर आप पूछो इसका क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो कोई भी वृत्त कहीं पर भी बना हो उसका क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर है। सब में आर का मान अलग होगा, कहीं त्रिज्या बड़ी होगी कहीं त्रिज्या छोटी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो अंतःवृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिवृत्त पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई कांस्टेंट है इसलिए कट जाता है। तो जो इनकी त्रिज्या का अनुपात है उनके वर्ग के अनुपात के बराबर इनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:4। तो इस बात को याद रखे रहिएगा, शायद ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। आइए अभी हमने बात किया, देखिए पेपर में जो सवाल आ सकते हैं उसी के पर्पस से मैंने आपको बनाया। जैसे वहां सवाल यूपीनेट में आया हुआ था कि एक वृत्त के अंदर वर्ग है, हमने वर्ग के अंदर वृत्त भी ले लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस दोनों ही पक्षों से हो जाए। ठीक, तो सवाल है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार स्कूल के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त वृत्ताकार खेल का मैदान है, तो उस खेल के मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले ताकि आप सवाल को अच्छे समझ सकें। एक वर्गाकार स्कूल है, तो एक ऐसा वर्ग बनाइएगा जो आपको देखने में भी वर्ग लगे, ए बी सी और डी। ये वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो सभी भुजाएं क्या होंगी 14 14 14 14। ठीक, तो एक वर्गाकार स्कूल है जिसके अंदर अधिकतम क्षेत्र वृत्त। आप कभी आपने अगर गौर फरमाया होगा तो आपके घर में लूडो होगा, लूडो का पासा लीजिएगा जिसकी ऊपरी अगर सतह खुलती हो तो खोल दीजिएगा और उसके अंदर स्पंज वाली बॉल होती है ना उसको डालिएगा और छोड़ के बंद कर दीजिएगा, तो देखिएगा वो सारे सतहों में चिपक जाएगी, है ना, क्योंकि अधिकतम क्षेत्रफल आएगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि एक वर्ग का वर्ग के अंदर अगर कभी भी अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त अगर रखा जाएगा तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। ठीक है, इस तरह से। तो आपको देखने भी समझ में आ रहा है कि इस वृत्त का जो व्यास होगा, इस वृत्त का जो व्यास होगा है ना, वो बराबर होगा किसके, इस वर्ग की भुजा के। तो याद रखिएगा जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त के ठीक है, ये तो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। आपको भुजा कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर और ये क्या है वृत्त के व्यास के बराबर। जो भी व्यास होता है उसकी आधा क्या होती है त्रिज्या, तो r बराबर 7। तो ये निकल गई इस वृत्त का की त्रिज्या। आप अगर खेल के मैदान की परिधि क्या होती है, खेल का मैदान क्या है वृत्ताकार और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो 2×22/7×7 7 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
क्वेश्चन कि अगर एक वर्ग के अंदर एक वृत्त का निर्माण किया गया है जो कि अपने आप में अधिकतम हो, तो उस वृत्त का जो व्यास होगा उस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, आइए देखिए इन सवालों को देखकर आप कुछ एजम्पशन मत कीजिएगा, सवाल आसान है या टफ है ना, बस जो भी बनाया गया है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आकृति आपको दिखाई गई है ए बी सी डी, है ना। तो ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है, इसे आप सुधार लीजिएगा, ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा यहां पर। ठीक है, संभव नहीं यहां पर, क्योंकि ए बी सी डी चतुर्भुज है, तो यहां लिख लीजिएगा सम चतुर्भुज। ठीक है, आइए तो ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए जिसमें एक सही है और आपको वही चुनना है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर हर ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए सी स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, देखिए हर ऑप्शन में बी डी स्क्वायर है, ठीक है, बी डी स्क्वायर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, उसे माइंड ना करें आप। तो आप देख रहे हैं ए सी और बी डी है क्या, तो आपने देखा कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा है ये, तो ए सी एक सम चतुर्भुज का विकर्ण होगा और बी डी भी क्या होगा, विकर्ण होगा। तो हर एक ऑप्शन में विकर्णों के वर्गों का योग दिया गया, और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सम चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजा के वर्ग का चार गुना होता है। और यहां पे जो सी डी है हर ऑप्शन में, सी डी वो सी डी और कुछ नहीं है, इस सम चतुर्भुज की एक भुजा है ना। तो जब सभी भुजाएं समान होती हैं तो सी डी जो होगी वही डी ए होगा, वही ए बी होगा, वही बी सी होगा। तो भुजा के वर्ग का चार गुना, मतलब यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये थ्योरी पे डायरेक्टली सवाल आपके एग्जाम में दो बार आया, तो मैंने भी लेना सही समझा। आइए आइए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए रूट टू इज इक्वल टू 10√2, रूट टू से रूट टू कट गया, ए बराबर 10, भुजा आ गई। इस बात से, इस सवाल से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि वर्ग के सारे फॉर्मूलों में केवल ए ही है जिसे हम भुजा मानते हैं। तो वर्ग के बारे में अगर कुछ भी दिया होगा तो आप उसे हल करके भुजा निकाल लेंगे, और भुजा एक बार हाथ में आ गई तो आप सारी चीजें बता सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ग के बारे में अकेले सवाल कभी भी नहीं आते हैं, आते नहीं है इसका मतलब बहुत कम दिखाई देते हैं। जो भी सवाल आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, क्योंकि वर्ग के बारे में कुछ दिया है तो भुजा निकल के आ जाएगी, और भुजा के आधार पर आप सब कुछ बता सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ग के बारे में यदि कुछ भी आपको दिया गया है इसका मतलब वर्ग के बारे में आपको सब कुछ दिया गया है। जैसे वर्ग का विकर्ण दिया गया था, आपने वर्ग की भुजा निकाल ली, आप कह रहे थे क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, बाएं पक्ष का वर्ग करोगे दाएं पक्ष का भी होगा, और 10 का वर्ग 100, इसका मतलब 100। अब याद रखिएगा कि अगर आपको ये सवाल हल ना करना होता, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, मतलब अपने आप में पूर्ण वर्ग, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो अपने आप में पूर्ण वर्ग होगा। ये सत्य पूरी तरह से नहीं है लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से सही है। आपने देखा कि भैया 60 पूर्ण वर्ग नहीं है, 50 पूर्ण वर्ग नहीं है, 80 पूर्ण वर्ग नहीं है, 100 ही केवल पूर्ण वर्ग है, तो आप इसे तुक्का मार सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको तुक्का मारने का शौक है तो, ठीक है। आइए आइए, एक वर्ग के विकर्ण को चार गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये बात कोई जानता है तो वो देखते ही बता देगा कि 4 का वर्ग 16, 16 गुना हो जाएगा, मतलब कि आपके साथ, अगर आप नहीं जानते तो आप हैरान रहिए या चिंतित होना जरूरी है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो इस सवाल को देखते ही कर ले रहे हैं, तो मायने तो रखता है ना, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर देखते ही सवाल करके अगला सवाल शुरू कर दिया है और आप इसी सवाल में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो सवाल का होना अच्छी बात है, लेकिन सभी सवालों में अगर वक्त लग रहा है जिसमें नहीं लगना चाहिए तो यह भी एक चिंता का विषय है कि उस सवाल में हमको भी कुछ चीजें नहीं पता है, ठीक है। तो एक वर्ग के विकर्ण को चार गुना कर देता है, मतलब डी जो भी है वो चार गुना हो गया है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। आप देखते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना ए स्क्वायर, वो विकर्ण के शब्दों में होता है हाफ डी स्क्वायर, है ना, हाफ डी स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि जैसे डी चार गुना हो जाएगा, तो आपने जब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इस क्षेत्रफल में डी का स्थान कैसा है, डी स्क्वायर के रूप में है। तो डी अगर चार गुना हो रहा है तो चार डी की वैल्यू चार गुना, तो चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। जैसे कि अगर मैं कहूं कि वर्ग का विकर्ण 2 गुना हो गया तो 2 का वर्ग 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि विकर्ण 10 गुना हो गया तो 10 का स्क्वायर 100, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 गुना। जैसे अगर मैं कहूं कि विकर्ण 4 गुना हो गया है तो वर्ग की भुजा कितनी गुना हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि विकर्ण बराबर ए रूट टू, है ना। तो जब भुजा के बारे में पूछा गया तो भुजा विकर्ण के फॉर्मूले में किस रूप में आई, ए के रूप में। तो अगर विकर्ण 10 गुना हो रहा है तो भुजा भी 10 गुना होगी, ये 4 गुना तो ये 4 गुना, ये 3 गुना तो ये 3 गुना। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सवाल के हिसाब से जितना जानना आपके लिए जरूरी है उतना आप जान लीजिए। तो यहां से पूरा सवाल हल करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल ये बात आपको यहां से बता रहा हूं कि जब भी वर्ग का विकर्ण जितना गुना किया जाएगा उसका वर्ग क्षेत्रफल गुना बढ़ जाएगा। जैसे विकर्ण अगर x गुना होगा, ठीक है,
अगर विकर्ण x गुना हो जाएगा तो क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना हो जाएगा, और विकर्ण जितना गुना होगा भुजा भी उतनी गुनी हो जाएगी। तो इस बात को आप याद कर लीजिए और रट के बैठ जाइए, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक वर्ग की भुजा में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन आपको विकर्ण में देखने को मिलेगा, और उनके वर्ग का परिवर्तन आपको क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। तो यदि एक वर्ग का विकर्ण चार गुना अगर कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पूछता वर्ग की भुजा तो चार गुना ही हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा सवाल हमने देखा, चलिए आगे आते हैं। आइए, कुछ क्वेश्चन अदर स्टेट में आए उनको मैंने लिया है, काफी अच्छे सवाल है। देखिए, निम्न में कौन सा असत्य कथन है, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। बिल्कुल सही, याद रखिएगा कि जब भी दो भुजाएं एक थोड़ी दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे कोण का निर्माण तो होता है, लेकिन कई कोण, एक दो तीन चार, इसका मतलब दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर कोण का निर्माण होता है, लेकिन एक से अधिक। यहां पूछा गया किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहते हैं, इसका मतलब जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हों, है ना, जैसे ये बिंदु है, यहां से एक किरण ऐसे निकली और एक किरण ऐसे। किरण होती क्या है? किरण बिंदुओं का वह पथ है जो एक तरफ निश्चित है, सॉरी, बिंदुओं का ऐसा पथ जिसका एक मूल बिंदु, मतलब एक तरफ से वो निकल रही हो और एक तरफ अनंत तक कितना भी खींच दें। रेखाएं क्या है? रेखा का मतलब है कि बिंदुओं का ऐसा पथ जो दोनों ओर कितना भी खींचा जा सके, जिसे दोनों भी कितना भी खींच सकते हैं दोनों तरफ, है ना। और किरण क्या है? किरण में एक तरफ मूल बिंदु है जहां से ये किरण निकल रही है, और ऐसा बिंदुओं का पथ जो एक तरफ आप कितना भी खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक कोण का निर्माण तभी होता है, मतलब दो किरणों जिनका मूल बिंदु एक है तो उसी मूल बिंदु को हम क्या कहते हैं? कोण। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, सही। किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, वेल सेड। किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपको लगेगा ऑप्शन रिपीट हो गए, लेकिन अदर स्टेट में आया हुआ सवाल है और दोनों ही ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो याद रखिएगा कि किन्हीं भी तीन रेखाओं से जब घिरी हुई आकृति वो त्रिभुज कहलाता है। आप ऐसा कुछ बना दें, अगर जैसे ये सब आपने बना दी तीन रेखाएं, ये है ना, कि तीन ही रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या ये त्रिभुज बन पा रहा है? नहीं। तो याद रखिए कि इन्हीं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये सही है, किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये सत्य नहीं है। तो ये क्या है? असत्य। और ये चौथा भी देख लीजिए, आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश, और बिल्कुल सही कहा गया है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समान समकोण होता है, ठीक। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। आइए अगला देखिए, किसी त्रिभुज के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य है, आपको दिखाना है। थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल आप देख लीजिए, सभी कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, सभी कोण सदैव न्यून कोण होते हैं ऐसा, सदैव इस शब्द का सम्मान करिए, सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की हम याद कर सकते हैं, 60 अंश 60 अंश 60 अंश, लेकिन सभी कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ऐसा गलत होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज बीच में आ जाएगा कि भैया हमको देखो, हमारे में सभी कोण न्यून कोण नहीं है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम हो। चलिए, तो ये भी गलत है, एक कोण सदैव समकोण होता है। तो सदैव पे ही आप पॉइंट आउट कीजिए, देखिए एक कोण समकोण होता है ये हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, लेकिन सदैव तो नहीं, तो समबाहु त्रिभुज बीच में आ जाएगा कि भैया हमारे में तीनों कोण क्या है? न्यून कोण। तो ये भी सत्य नहीं है, एक कोण सदैव अधिक कोण होते हैं, अधिक कोण हो सकता है लेकिन हमेशा अधिक कोण हो नहीं, तब समकोण त्रिभुज भी बीच में आ जाएगा और समबाहु त्रिभुज में, कि भैया हम दोनों में ये बातें गलत हैं। तो एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, नहीं, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बिल्कुल सत्य है, है ना। अगर आप न्यून कोण त्रिभुज लेंगे तो तीनों कोण न्यून कोण होंगे, अगर आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक कोण समकोण होगा, अदर दो जो बचेंगे वो दोनों न्यून कोण होंगे। अगर आप अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक कोण अधिक कोण होगा, अदर दो क्या होंगे? न्यून कोण।
तो याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में कम से कम दो कोण तो न्यून कोण होंगे ही होंगे। तो एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, आपको एक डायग्राम से बना देता हूं मैं, ये न्यून कोण त्रिभुज बना रहा हूं मैं। तो तीनों कोण क्या है, न्यून कोण 60 अंश 60 अंश और 60 अंश। अगर आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया तो ये 90 है। आप मुझे बताइए अगर 90 है तो अब जो दो बचे हैं उनका योग 90 होगा, तो दोनों को 90 में बांटना है, कुछ भी बांट लीजिए। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 20। तो आपने देखा दो न्यून कोण आ गया। फिर आ गया अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण मान लीजिए 100 है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक अगर 100 है तो अदर जो बचे होंगे उन दोनों को मिलाकर 80 बनना होगा। इसका मतलब दोनों ही न्यून कोण बनेंगे, अगर एक 60 हो गया तो एक 20। तो याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में अधिकतम तीन न्यून कोण होते हैं और कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। ठीक, तो एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए ज्योमेट्री के 30 सवाल लाया हूं। अभी लाइन से अगर ऐसे ऊपर कर देंगे 30 सवाल है, लेकिन ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आप इसको देखते देखते शायद बोर हो जाएं। ठीक है, तो जितने भी सवाल मुझे लगता है कि हो सकते हैं उतने सवाल पे मैं रोक दूंगा, फिर इसकी प्रक्रिया हम आगे बढ़ा कर। याद रखिएगा आपको इस वीडियो के बाद आपको और वृत्त की वीडियो मिलेगी, इसमें आपको त्रिभुज और चतुर्भुज मैंने कवर किया है, और इसके आगे मैं वृत्त को कवर करूंगा, और उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कोई नहीं पढ़ाता है, त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जिसे हर साल एक सवाल आ रहा है और उम्मीद करूंगा कि इस साल भी आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, इसको करने के कई तरीके हैं। इस सवाल को ध्यान दीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान। ठीक है, कह रहे थे ए डी बी सी पर लंब हो, मतलब ए से एक लंब खींचा गया है ए डी, है ना, जो बी सी पर लंब है। तो आपको इन चार विकल्पों में से बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प जो सही है। बिल्कुल अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही टफ सवाल है। जिसे अच्छा ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं हो शायद ये सवाल ना कर पाए, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे शायद आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज में आप इस बात को शायद जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा में जो लंब खींचा जाता है वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एडीसी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और एडीबी भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना भाई। एक सीधी रेखा में बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये 90 तो इधर वाला भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90 है। आपको एबी और एडी के बीच संबंध बताना है, तो आप अगर इधर वाले त्रिभुज को लेके बैठे हैं, ये वाले ए डी बी है ना, इधर वाले, तो आप जानते हैं 90 अंश के सामने कर्ण होता है, और पाइथागोरस कहता है कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आपको ए बी और ए डी के बारे में बनाना है तो बी डी हटाना होगा। आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं समान है, जैसा ए बी होगा वैसा ही ए सी होगा, वैसे ही बी सी होगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगा, है ना। तो इसका मतलब ए बी को बी सी कह लो या सी ए कह लो, एक ही बात है। ये बी डी जो है वो क्या है, आप जान रहे हैं कि ये अगर एक है तो ये भी एक है और पूरा क्या है, दो। इसका मतलब जितना सी बी होगा उसी का आधा बी डी होगा। हम कह सकते हैं ना भाई बी डी क्या है, बी डी सी बी की आधी है, है ना। और अभी आपने विश्वास दिलाया कि जितना सी बी होगा उतना ही ए बी होगा, मतलब सी बी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ए बी बटे में दो। मुझे बी डी स्क्वायर चाहिए तो बी डी स्क्वायर भाई बायपक्ष का वर्ग करूंगा तो यहां भी वर्ग होगा। अब पूरे का वर्ग होगा तो अंश का भी वर्ग होगा और हर का भी वर्ग होगा। तो यहां पर आपने देखा कि जो बी डी स्क्वायर है वो आ जाएगा ए बी स्क्वायर बटे में दो का वर्ग 4। तो बस इसको यहां पर रख दीजिए, तो ए बी स्क्वायर बटे में 4, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं, तो जैसे इधर का प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए बी
स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे में चार बराबर ए डी स्क्वायर। चार का ए बी में गुणा होगा, चार ए बी स्क्वायर, और चार ए बी स्क्वायर में एक ए बी स्क्वायर घट जाएगा तो क्या जाएगा, थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, और ये चार जो नीचे बचेगा इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो जाएगा फोर ए डी स्क्वायर, है ना। तो आ गया थ्री ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डी स्क्वायर, मतलब सी ऑप्शन है ना। लेकिन ये बात मैं अच्छे समझता हूं कि शायद आप में 100 में हर एक 90 एस्पिरेंट इस बात को नहीं समझ पाएगा। अगर समझ पाएगा भी तो शायद ये सवाल अगर दोबारा एग्जाम में आ जाए तो आप ना कर पाए, है ना। हो सकता है, आप खुद मुझे बताइएगा क्या ये सवाल दोबारा अगर रिपीट होगा तो आप कर लेंगे, इतना सोच पाएंगे उस एक मिनट के अंदर? नहीं। तो फिर मैं आपको क्या याद दिलाता हूं, आपका सिलेबस, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सर्व समीकाय। सर्व समीकाय का अगर हिंदी मीनिंग आप जानेंगे तो सभी मानों के लिए समान, मतलब वो आइडेंटिटी सभी मानों के लिए समान रहेगी। मतलब चाहे आप मान बदलते जाइए लेकिन वो आइडेंटिटी हमेशा समान रहेगी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब a और b का कुछ भी मान रखेंगे हमेशा वो समान व्यवहार करेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर एक त्रिभुज है समबाहु ए बी सी, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये एक सर्व समीकाय है। तो मतलब तीनों भुजाएं अगर ये दो ये दो ये दो ये पांच ये पांच ये पांच सर्व समीकाय है कि ए से अगर सामने वाली भुजा पे लंब खींचा गया है तो ये लंब सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करता है। मतलब सामने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा खेल लेता हूं सवालों से। मैं लेता हूं ये दो ये दो और ये दो, और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है तो ये हो जाएगी एक, ये हो जाएगी एक, है ना। ये भी 90 है, और ये जो आपका ए डी बी है ये एक समकोण त्रिभुज है, और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस कहते हैं कि समकोण के सामने कर्ण होता है तो कर्ण का वर्ग होगा अदर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। एडी दिया नहीं है तो एडी यहां से निकाल लेंगे। दो का वर्ग चार, एक का वर्ग एक प्लस ए डी स्क्वायर, एक प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस जब हो जाएगा तो चार में गए तीन बराबर ए डी स्क्वायर, तो यहां से एडी आ जाएगा तीन का वर्ग रूट थ्री, तो ये आ जाएगा रूट थ्री। बस चारों ऑप्शन में अब आपके पास वैल्यू है, इसको आप कर सकते हैं कैसे, 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू ए बी कितना है 2, 2 का वर्ग 4 बराबर 4, ad कितना है रूट थ्री तो रूट थ्री का वर्ग, तो कर लीजिए 2 दुनी 4 तिहाई 12, और यहां रूट थ्री का वर्ग 3 चौके 12, दोनों ही पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब कि यही वाला जो ऑप्शन है सही है, और किसी भी ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, आप करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप पहला लेते हैं, ठीक है, पहला 2ab स्क्वायर यही कर देता हूं, 2 इंटू ab कितना है 2, 2 का वर्ग 4 बराबर 3 इंटू ad कितना है रूट थ्री, रूट थ्री का वर्ग 3, 3 त्रिकोण 9 4 दुनी 8 तो ये बराबर नहीं है। यहां आप करेंगे 5 इंटू ab कितना है 2, 2 का वर्ग 4, और यहां 6 इंटू ad कितना है रूट थ्री का वर्ग 3, तो 6 तक 18 5 चौके 20 ये भी नहीं है। ऐसे इसको भी करेंगे ये भी नहीं निकलेगा, तो जो सी है वही सही है। इस तरीके से सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सवाल से आप ये बात समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा सर्व समीकाओं पर जहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पर आप सवालों पर ध्यान रखे अपने से कोई मान उचित मान ले सकते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है, x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। अब AOB आपको नहीं दिया है तो यहां पर आप ले लीजिए, A है ये O है और ये B है और ये C। ठीक है, तो यहां पर AOB, देखिए x का मान कुछ भी हो, x का मान कुछ भी हो, अगर AOB एक सरल रेखा है तो सरल रेखा पर बना कोण हमेशा 180 इंच होता है। तो आपसे सवाल में कह रहा है कि ये एक सरल रेखा होगी, तो AOB इसको आप सरल रेखा मान ही लीजिए,
मानने के लिए हम किसी को भी कुछ मान लेते हैं, ये तो एक रेखा है तो रेखा को आप कुछ भी मान लीजिए, और कह रहा है सरल रेखा ही मानना है, तो AOB अगर टेढ़ी है और हमने सीधी मान लिया है तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं इन कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो जोड़ लीजिए 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 50, ये मान किसके बराबर होगा 180 अंश के। 2x प्लस 2x 4x, और 30 में 50 गया माइनस 20, और माइनस 20 को उधर फेंकेंगे जुड़ जाएगा, 180 में 20 जुड़ेगा 200, तो 4 × 5 = 20, तो x बराबर कितना आ गया 50। तो x का मान ही आपसे पूछ रहा था कितना आया d, तो ये होगा सर मतलब x का मान अगर 50 रख देंगे तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश आएगा। और किसी भी रेखा में आपके सपनों में अगर वो रेखा टेढ़ी है लेकिन टेढ़ी रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो गया तो रेखा दुनिया कैसी मानेगी, सीधी। ठीक, आइए अगला सवाल। आइए, निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है, कागज, गेंद, बेलन, गिलास। आप आकृति जानते हैं, कागज ऐसा बनता है ना, गेंद ऐसी, गिलास ऐसी है ना, और बेलन भी इस तरह से है ना। ये तो समतल के बारे में जानना है, समतल का मतलब क्या है, समतल जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो ऐसी कोई भी आकृति या बिंदुओं से बनी ऐसी कोई भी आकृति, जैसे बिंदुओं से अगर ऐसी रेखा बन रही है जिसे दोनों तरफ कितना भी खींच रहे हैं, ये रेखा एक तरफ रुकी है और एक तरफ कितना भी खींच रहे हैं बिंदुओं का पथ, तो ये किरण। और ऐसा कोई भी बिंदुओं का ऐसा आकृति मतलब ऐसे है ना, मतलब बिंदुओं से बनी हुई ऐसी आकृति, बिंदुओं का ऐसा पथ जिसके पास लंबाई और चौड़ाई हो है ना, वो क्या होती है, समतल। जैसे बोर्ड जो आपको दिख रहा है जिसपे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये भी अपने आप में क्या है, समतल। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी आकृति जो बिंदुओं से बनी हो जिसमें लंबाई चौड़ाई हो और उसकी कुछ मोटाई तो होगी, उसे समतल कहते हैं। तो कागज लंबाई और चौड़ाई की आकृति में आता है, तो कागज ही क्या है, समतल। ठीक है, तो बाकी क्या है, गेंद अपने आप में एक आकृति है, गिलास, बेलन, ठीक है, उनकी एक आकृति है, बेलनाकार होता है। तो याद रखें समतल मतलब ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक, आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14, और एक लास्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल। आइए, संलग्न चित्र में कोण A का मान क्या है। अगर आप ये जानते हैं, जैसे आकृति अगर आपको थोड़ी दिख नहीं रही तो मैं बड़ी कर देता हूं आपके लिए, शायद फट जाएगी, नहीं इसके बाद ऐसे ही रहने दीजिए, पता नहीं शायद दिखाई ना दे आपको। आइए बोर्ड में बना देता हूं, देखिए आकृति कुछ इस तरह से दी हुई है, ए बी और सी, यहां कोण बी का कोण समद्विभाजक है क्योंकि कोण एक्स में बट रहा है दोनों में, तो समद्विभाजक है, और यहां कोण सी का समद्विभाजक, ये वाई तो ये वाई, और दोनों मिल रहे हैं ये ओ बिंदु पे, और ये ओ पर जो कोण बन रहा है वो है 108 अंश। आपको कोण ए दिया हुआ है, ए बताना है ना। अगर आप ये बात जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर कहीं पर भी कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो ये मिलन स्थान क्या कहलाता है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र आगे जो सवाल है उसमें इनका कॉन्सेप्चुअल थ्योरी दी हुई है मैंने, फिलहाल यहां पर सुन लीजिए। अगर ये बात आपको पता है तो कि अंतः केंद्र पर जो बनता है कोण, वो कोण हमेशा बराबर होता है किसके, 90 प्लस आधा उसके सम्मुख कोण, मतलब कोण ए। ये सवाल याद रखिएगा, आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस तरह से तो आप सॉल्व कर लीजिए, 90 इधर आएगा घट जाएगा, 108 में 90 जाएगा 18 बराबर हाफ कोण ए, और 2 का 18 में 18 दुनी 36, तो ये कोण का मान आ गया। तो कोण ए कितना है, 36। ये आपके यूपीटेट में आया हुआ सवाल है। ये सवाल क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उससे भी ये सवाल हो सकता है। लेकिन जब मैं आपको अंतः केंद्र पढ़ाने ही जा रहा हूं तो मैं उससे क्यों बताऊं आपको, मेरा ये मानना है। तो याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में अगर कोई कोण ए बी और सी है, और किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोण समद्विभाजक को मिलाएं, जैसे कोण ए जितना भी है उसका समद्विभाजक मैंने खींचा है, कोण बी जितना भी है उसका समद्विभाजक खींचा है, और कोण सी जितना है उसका समद्विभाजक, जिसको समद्विभाजक नहीं पता है
मतलब यहाँ कोण सी पे जो रेखा जा रही है वो सी कोण को दो बराबर भागों बांट रही है। अगर ये कोण सी 60 अंश का तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। ऐसे कोण ए बराबर भागों बढ़ गया, कोण भी बराबर भागों बढ़ गया। कोण के समद्विभाजक अर्धक या एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर। इन सेंटर पे बना हुआ कोण, जैसे यहां पर अगर मैं कहूं कोण बी आई सी क्या होगा तो आप बताएंगे 90 प्लस आधा सम्मुख कोण क्या है ए। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर ये बात आपको याद है तो ये सवाल आपके लिए बड़ा आसान है। तो इसका सवाल का उत्तर कितना आया 36। ठीक है, तो ये 15 सवाल थे और आगे अभी काफी सवाल हैं। आप देख रहे हैं जैसे 16 हैं, 17 हैं, ऐसे 30 सवाल हैं। मैं आपको कराऊंगा, फिर वृत्त पढ़ाऊंगा, फिर आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाऊंगा। आपको बहुत मजा आएगा, बने रहिएगा। तब तक स्टार्ट करते हैं, फिर तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।